सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल देसी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू कि कैसे बारिश पड़ रही है यहाँ पर, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की वीडियो मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पहले ही दिखा दी थी। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आगे आगे हम कहाँ कहाँ पर गए और कैसा कैसा व्यू आया। और आपको शादी का भी थोड़ा सा व्यू मैं ज़रूर दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। आप ही बोलेंगे ना कि भाई ऐसी बरसात में क्या ज़रूरत पड़ी है जाने की, रहने देते, मगर क्या करें। देखो, फैमिली में से एक ही बंदा जा रहा है, मेरी फैमिली में से मैं जा रहा हूँ और इधर मेरे ससुराल की तरफ से पापा जी जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, है ना। ये देखो कितना प्यारा व्यू, बारिश पड़ रही है वैसे तो, है ना। बादल भी गरज रहे हैं और देखो ना आप कितना बुरा हाल हो चुका है हमारा भी। मेरे तो सारे कपड़े, ये देखो पैंट सारी गिल्ली हो चुकी है। ओह माय गॉड। चलो फिर भी हम चल रहे हैं आगे के लिए और देखते हैं आगे हम और कहां पर पहुंचते हैं, है ना। वैसे हम एक ग्राउंड के पास पहुंचे हैं, यहां पर मंदिर है, ऊपर घर से दिखाई देता था ये मंदिर। और आप भी बताना मुझे कि आपको मेरी आज का ब्लॉग कैसा लगा, है ना। वैसे ये वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा, है ना। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी जगह है, कितनी अच्छी जगह है ना ये, है ना। ये देखो कितनी अच्छी जगह है ये, यहाँ ऊपर है मंदिर, दिख रहा है आपको, ये मंदिर है यहाँ ऊपर। हाँ, ये मंदिर है और ये बहुत ही प्यारी जगह है। चलो अब चलते हैं और आगे की तरफ और देखते हैं हम और कहाँ कहाँ पर जाते हैं, है ना। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, वैसे मुझे रास्ता याद हो चुका है ये, है ना। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा ना तो मैं भूलूँगा नहीं वैसे, क्योंकि ऐसे में बस भी कौन भूलेगा इतनी बारिश जो पड़ रही है। बारिश में आप ऐसी जगह से होते हुए आओ ना तो कौन भुला पाएगा ऐसी जगह को। यहाँ से जगन्नाथ मंदिर भी दिखाई देता है, वो है जगन्नाथ मंदिर, मगर यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, दूर है ना। मैं आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो ये मंदिर है और वाह, ये देखो कितना ऑसम व्यू है ना यहाँ का। बहुत वो ऊपर से आए हैं हम, वो ऊपर से, चलो है ना, बहुत ही अच्छा ऑसम जगह ये, है ना। तो बताना आपको ये जगह कैसी लगी। खैर अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा मंदिर यहाँ पर कौन है, क्योंकि मैं आपको आसपास का व्यू ज़रूर दिखा देता हूँ। ये देखो वाह, कितना अच्छा ग्राउंड है। पापा जी रास्ता देख रहे हैं कि भाई कहाँ से जाना है, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि कहाँ से जाना है हमने, है ना। चलो फ्रेंड्स, थोड़े से और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बारिश के नज़ारे कि बारिश में हमारे कितने मज़े आ रहे हैं। पापा जी रास्ता ढूंढ रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, भटक गए हैं शायद हम। और देखो मंदिर के पास ही हम अभी, और वीडियो में बने रहिएगा, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी आगे आकर हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे, हमें पता ही नहीं चला। आप देख सकते हैं मेरे बैग में कितना अच्छा व्यू है, वैसे जंगल का रास्ता ये, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ से ना। हाँ, तो ये देखो अब एक नाला और क्रॉस करना पड़ेगा हमें ना, ये देख सकते हैं आप, पता नहीं ऐसे कितने नाले हमने क्रॉस किए हैं अभी ना, 3-4 तो कर ही लिए होंगे, है ना। ओह माय गॉड, है ना। चलो ऐसे बारिश तो थोड़ी थम गई थी, मगर फिर भी पेड़ों के ऊपर जो बारिश का पानी होता है ना वो गिरता रहता है ना। चलो आ जाओ,
चलते हैं, अब आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। तो अब आगे की तरफ चलते चलते ना हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर जा रहे हैं पापा जी, है ना। तो देखते रहना, आप भी वीडियो में बने रहना, दिखाएंगे आपको हम फाइनली जब शादी में पहुँचेंगे ना। ओह माय गॉड, बस देखते हैं, बंद है यहाँ से रास्ता। अब बोल रहा था ना आपको ऊपर वाले रास्ते चलते हैं, तब क्या हो गया, रास्ता तो है बना हुआ ना। देखो अब हम वापस हो रहे हैं यहाँ पर, ऊपर जाले थे लगे। चलो कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, आपको मैं आगे जाकर दिखाता हूँ ना। सारे टमाटर ख़राब हो गए, सारी पौध ख़राब हो गई है, जितनी भी लगाई हुई ना। वो पार जाना है हमने, जहाँ वो येलो घर दिख रहा है ना आपको, वो पार है ना। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हम, ये देखो ये है नाशपतियाँ। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो ये ऊपर शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, और इस समय है राजकीय माध्यमिक पाठशाला ददोग में हम। ये सामने है ददोग स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ददोग, और इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ को। ओके चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो भैया अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है दिखाते हुए आपको। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली हम उस घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं जहां पर हमने जाना है शादी के लिए। और आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। आइए फ्रेंड्स, आपको आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे के नज़ारे की, आगे हमें और क्या क्या देखने को मिला। आइए फ्रेंड्स चलते हैं आगे की तरफ। इतने बुरे हाल हो गए ना, देखो हमारे बारिश में बाल भी कैसे हो गए हमारे। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ आगे हम जा रहे हैं। इसमें दाउसी में, दाउसी ये जगह का नाम ना, वहाँ जा रहे हैं हम, है ना। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे यहाँ पर नीचे सड़क भी आ गई है, गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ तक सड़क आ चुकी है, वहाँ पार से आई थी जहाँ से हम आए हैं ना, वहाँ से आई थी सड़क। चलो ये देखो गाँव में गोभी लगाई हुई है, फूल गोभी है, यहाँ ऊपर भी है लगाई हुई है गोभी है, ये भी सभी जगह गोभी लगाई हुई है। और इसके बाद यहाँ पानी का एक टैंक भी है, ये देखिए ये है पानी का एक टैंक, है ना, जो सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, ये गोभी है ऊपर। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं, है ना। पता नहीं कैसे पूछते पूछते हम आए हैं आगे के लिए, और अभी भी पता नहीं कितना दूर है। ये देखो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से जाएंगे हम आगे को। और भाई अब क्या बताएं, बहुत ही बुरा हाल हो गया हमारा चल चल के, पता नहीं कितनी देर से चले जा रहे हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है वहाँ पर चलते हुए। और तो पापा कह रहे हैं इसके बाद हमने वहाँ से जाना है। ये नहीं गुफा पल्ली तरफ है पापा जी, ये दूसरा मंदिर है। यहाँ पर मेरा दोस्त रहता है तिलक ना, वो दुबई में आज का यहाँ रहता है वो। अच्छा तो चलते हैं फिर आगे के लिए, बने रहिएगा अभी वीडियो में, दिखाते हैं आपको मगर गांव की शादी। तो फ्रेंड्स, शादी में मैं बहुत ही लेट पहुंचा, मगर आपको पता है ना आजकल कोरोना काल में शादी में ज़्यादा बंदे अलाउड नहीं हैं, तो फैमिली वालों ने भी अपने ही घर के ही मेंबर शादी में बुलाए थे। और वैसे तो मैं आपको पूरी रस्में नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बहुत ही लेट पहुँचाऊँ, मगर फिर भी शादी बहुत ही अच्छी हुई है। आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं यहाँ पर।
अच्छा ये दिखते हैं ऊपर से पार घर से ना, ये फ्लैट बन रही है। उर्दू कॉलेज तो फ्रेंड्स मैं भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, मैं जितना हो सका उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं वापस, इसी रास्ते से हम गए थे, देख सकते हैं आप, ये वही रास्ता है जिसमें बारिश हो रही थी बहुत ही भयंकर, जब हम गए थे ना यहाँ से बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया हुआ है। देखो पापा जा रहे हैं आगे को और हम चल रहे हैं आप, है ना। चलो देखते रहना और बताना आप कि आपको वीडियो कैसी लगी मेरी, है ना, कमेंट सेक्शन में। चलो ओके बाय। तो फ्रेंड्स अब हम वापस आ गए हैं वहाँ से शादी से, तो आपको आपको मैंने दिखाया कि शादी में कितने ही लोग हैं वहाँ पर, तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना आपको कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, है ना। चलो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।